हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं बीसीए वर्सेस बीएससी सीएस। कई जगह पे इसे ही बीसीएस कहते हैं। उसकी फुल इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, वो भी आसान हिंदी में। उसमें हम एलिजिबिलिटी देखेंगे, उसकी फीस कितनी होती है वो भी देखेंगे, स्कोप आप बीसीए या बीएससी सीएस करने के बाद स्कोप कैसा रहता है ये भी देखेंगे, और उसके बाद कितना पैकेज सैलरी मिलती है यही देखेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं सैलरी भी बताने वाला हूँ। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं बीसीए वर्सेस बीएससी सीएस। सबसे पहले देखते हैं कि ओवरव्यू। देखिए बीसीए जो कोर्स है वो 3 साल का है और बीएससी सीएस जो है वो भी 3 ही साल का है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहते हैं, बट क्या है कि जो बीसीए वाले हैं उसके लिए स्पेशली आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स रहते हैं, और बीएससी सीएस के बाद क्या है कि आईटी सेक्टर में तो रहते हैं बट रिसर्च जो होती है अलग अलग प्रोडक्ट में उसमें, तो वहाँ पे ज़्यादा बीएससी सीएस वाले ही जाते हैं। और इसमें जो C++ जावा जैसे वेब डेवलपमेंट वो आपको सिखाया जाता है बीसीए में, और जो बीसीएस में भी है तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वेब डेवलपमेंट वो भी सिखाए जाते हैं, बट ज़्यादातर थ्योरी पार्ट होता है इसमें, ज़्यादातर प्रैक्टिकल पार्ट होता है। ये होता है इसका ओवरव्यू। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है, तो बीसीए के लिए आपको क्या है कि 12th पास होना ज़रूरी है। आप फिर किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी, वहाँ पे आपको टर्म नहीं रहेगी, आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बस आपका इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और वही पे जो बीएससी सीएस या बीसीएस जो है उसके लिए जो आपको 12th साइंस पास होना ज़रूरी रहता है, मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। बीसीए के लिए कोई भी आप 12th पास होंगे आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट साइंस यहाँ पे चाहिए अगर आपको बीएससी सीएस करना है तो। और जो फीस होती है ना, तो बीसीए के लिए जो फीस होती है 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है, और जो बीएससी सीएस इसकी जो फीस होती है 35,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। ये कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग कॉलेज पे अलग अलग फीस रहती होती है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको जिस कॉलेज में जाना है वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं या मुझे पूछ सकते हो, मैं भी आपको बता दूंगा। आप कमेंट में आप कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हो। उसके बाद देखिए स्कोप। तो देखिए बीसीए का स्कोप जो है ना, अभी के लिए राइट टाइमिंग है अगर आपको बीसीए लेना है तो। क्या होगा कि अभी के लिए जो इंडिया डेवलपमेंट फेज में है ना, तो वहाँ पे जो प्रोग्रामर डेवलपर की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप अभी करते हो तो 3 साल बाद आपको जॉब की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, और आप बीएससी सीएस के बाद भी आईटी सेक्टर में जा सकते हो। बस आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थ्योरी पार्ट ज़्यादा होता है, और बीसीए में क्या है कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं, तो उसके बाद ही डिग्री के बाद ही आप आईटी सेक्टर में आसानी से लग सकते हो। और अगर आपको जो आगे स्टडी करना था आप वो भी कर सकते हो, मतलब बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हो या बीएससी के बाद आप एमएससी भी कर सकते हो। उसके उससे क्या होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। सिर्फ बीसीए या बीएससी सीएस करके आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इसमें मास्टर कर लेते हो तो आपको आसानी से मल्टीनेशनल जैसे कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज है उसमें भी आप लग सकते हो, एज अ डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हो, वेब डेवलपर हो सकते हो। तो इसका दोनों का स्कोप बहुत अच्छा है। अगर आप इस साल एडमिशन लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद देखिए सैलरी। उस सैलरी क्या है कि सैलरी डिपेंड करती है आपके नॉलेज पे या कॉलेज पे भी। क्या होता है कि अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ पे कंपनीज आती है, इन कैंपस इंटरव्यू होते हैं, तो वहाँ पे जो पैकेज मिलता है वो थोड़ा सा हाई रहता है वो अदर कॉलेज से। और आपका नॉलेज जितना अच्छा होगा आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो उस पर भी सैलरी डिपेंड रहती हो। और अगर आपको बीसीए की सैलरी जाननी है तो लगभग 2.5 लाख का पैकेज से लेके 8.5 लाख का पर ईयर के लिए, LPA मतलब पर ईयर के लिए 2.5 LPA से लेके 8.5 LPA तक हो सकती है। इसमें लगभग आपको 30,000 से लेकर 60,000 तक पगार पर मंथ के लिए भी पढ़ सकते हो। जो बीएससी सीएस है उसके लिए जो है 3.5 LPA से लेकर 10 LPA तक, मतलब यहाँ पे जो आपको 40,000 से लेकर 80,000 तक पर मंथ के लिए पढ़ सकती हो। ये जो है ये पर ईयर का है, तो 3.5 LPA से 10 LPA। ये थी इसकी सैलरी और फुल डिटेल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और आपके मन में जो भी सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।